इंडस्ट्री में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरते हुए देखे जाते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कुछ ही फिल्में दी और बाद में फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। आज के समय में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में देने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली, तो वहीं कई स्टार्स ऐसे हैं जिनकी जिंदगी काफी बदल गई एक गंभीर हादसे के बाद। ऐसे ही गंभीर हादसे का शिकार हुई थी सुपरहिट फिल्म आशिकी फैम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल। अनु अग्रवाल का जब भी लोग नाम लेते हैं तो फिल्म आशिकी याद आ जाती है। आशिकी के हिट गाने आज भी लोगों की जुबान पर गुनगुनाते हुए सुने जाते हैं। आशिकी के जरिए अनु अग्रवाल और फेमस एक्टर राहुल रॉय ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी मासूमियत के जरिए अनु अग्रवाल ने हर किसी के दिल को जीत लिया था। और इस फिल्म के हिट होने के बाद हॉलीवुड के साथ साथ साउथ से भी उन्हें काफ़ी सारे ऑफर्स मिले। लेकिन जब साल 1999 में एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद अनु अग्रवाल कोमा में चली गई थी, उस एक्सीडेंट ने अनु अग्रवाल की पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया था। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि अनु अग्रवाल उस गंभीर एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी और सब कुछ भूल गई थी। उस दौरान अनु अग्रवाल की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। अनु अग्रवाल फिल्म इंडस्ट्री से इन दिनों दूर हैं, लेकिन किस तरह से अनु अग्रवाल इस एक्सीडेंट के बाद अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दी और अध्यात्म की राह पर चल दी। हाल ही में अनु अग्रवाल ने अपने इंटरव्यू में तमाम बातें शेयर की हैं। अनु अग्रवाल ने अपने दर्द को बयां किया है। दर्द छलकाती हुई नजर आई हैं अनु अग्रवाल। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि हाल ही में अनु अग्रवाल ने अपनी फिल्में, अपनी फेम, अपने लाइफ चेंजेस के बारे में तमाम बातें शेयर की हैं। इस दौरान अनु अग्रवाल ने बताया है कि जनवरी में आशिकी की शूटिंग शुरू की और जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तब मेरा मन बदल गया। मैंने मॉडलिंग में वापस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिल्म आशिकी के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं रातों रात स्टार बन गई थी और आशिकी की सक्सेस के बाद लोगों ने मुझे जिस तरह का प्यार दिया, जिस तरह से मुझे प्यार मिला, उस पर यकीन नहीं कर पाई। जब मैं बाहर जाती थी तो फैंस आकर मेरा ऑटोग्राफ लेने लगते थे। इतना ही नहीं, लोग मेरी एक झलक पाने के लिए घर के बाहर खड़े रहते थे। लेकिन इसके अलावा अनु अग्रवाल ने बताया कि मैं स्टारडम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मैं स्टारडम पर कैसे रिएक्ट करूँगी। मैंने कभी एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था। मैं हमेशा से ही सोशल वर्कर थी और मेरा सपना संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने का था। आशिकी के बाद मुझे राकेश रोशन और मणि रत्नम का फोन आया। मुझे एक हॉलीवुड फिल्म में भी ऑफर हुई। मेरे हाथ में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट थे, लेकिन मैं हमेशा से पहले से एक स्क्रिप्ट पढ़ना चाहती थी। और इस तरह से अनु अग्रवाल ने अपने फिल्मी करियर पर बात की। लेकिन एक्सीडेंट के दिन को उन्होंने याद किया और उस दिन को याद करते हुए अपने दर्द को छलकाती हुई नजर आई। अनु अग्रवाल ने बताया अपने इंटरव्यू में कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हूँ, जो काफ़ी कठिन थे, जहाँ बीमारी थी, तकलीफें थीं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। हालांकि सभी को कभी ना कभी ऐसे मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगी कि ऐसे दौर में आप मेडिटेशन जरूर करें। अनु अग्रवाल ने अपने इंटरव्यू में तमाम बातें शेयर करते हुए अपने दर्द को भी छलकाया कि किस तरह से अनु अग्रवाल कोमा में चली गई और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। अनु अग्रवाल ने अपने एक्सीडेंट को लेकर अपने दर्द को छलकाया। अनु अग्रवाल ने कहा कि साल 1999 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं कोमा में चली गई। एक्सीडेंट से पहले मैं एक आश्रम में रहती थी, जहां मैं अध्यात्म ले रही थी और नाम भी अलग था।
एक्सीडेंट के बाद मुझे अपने आध्यात्मिक नाम के सिवाय कुछ नहीं याद था। साल 2001 में मैंने संन्यास ले लिया और अपना सिर मुंडवा लिया। इतना ही नहीं, आगे अनु अग्रवाल ने बताया कि उस एक्सीडेंट के बाद वह किस तरह से लिपस्टिक तक लगाना भूल गई थी। मैं बस एक बैग लेकर घूमती थी, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझती रही। साल 2006 में मैं वापस आ गई और लोगों से मिलने लगी। मेरे घर के पास प्रेस वालों का हुजूम रहता था, मैं प्यार से उनका अभिवादन करती थी। एक्सीडेंट के बाद मैं ये तक भूल गई थी कि लिपस्टिक कैसे लगाते हैं। फिर लोगों ने मेरी बिफोर और आफ्टर तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया। मेरी बिना मेकअप वाली तस्वीरें वायरल होने लगी। अपने आसपास ये सब देखकर मैं दंग रह गई थी। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही थी। प्रेस और मीडिया वाले मेरे बारे में कुछ भी लिखने और उन तस्वीरों को पोस्ट करने के बजाय चुप रह सकते थे। अगर वो ठीक होने में मेरी मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम मेरे बारे में डरावनी चीजें और बातें ना बोलते। साल 2007 और साल 2008 तक के आसपास मुझे एक हॉलीवुड फिल्म मिली थी, पर मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं योग पर काम करना चाहती थी। लोगों और उनके माइंडसेट के बारे में मैं जानना चाहती थी। लोगों ने मेरे बारे में बातें बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर फीमेल पावर और फीमेल एनर्जी जागृत हो रही थी। उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। अगर मुझे सिर्फ फिल्में ही करनी होती तो मैंने 10 साल पहले कर ली होती। 20 साल पहले मैं हॉलीवुड प्रोजेक्ट साइन कर लेती, पर मेरी खोज किसी और चीज़ के लिए थी। मेरी इच्छाएं, मेरी ज़रूरत और मेरी भूख थी कि लोगों के लिए कुछ कर सकूं। अब मैं इंसान के दिमाग के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि लोग किस तरह से डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं, लोगों को एंजाइटी या असफलता क्यों महसूस होती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके मैं जवाब जानना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बॉलीवुड से दूर होने की ज़रूरत है। और इस तरह से अनु अग्रवाल ने अपनी ज़िंदगी से जुड़े तमाम राज खोले। और आज के समय में देखा जाए तो अनु अग्रवाल ने खुद को योग से ठीक किया है और आज भी योगा वाली लाइफस्टाइल जी रही हैं। एक फिक्स टाइम पर सोती हैं और अपना एक फिक्स शेड्यूल बना रखा है अनु अग्रवाल ने। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अनु अग्रवाल साल 1996 में फिल्म रिटर्न ऑफ जेवेल थीम में नजर आई थी। अनु अग्रवाल ने अपने 7 साल की करियर में हिंदी सिनेमा के साथ साथ तमिल सिनेमा में भी हाथ आजमाया था। और इसके अलावा अनु अग्रवाल टीवी इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि अनु अग्रवाल ने यूजुअल मेमोर ऑफ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम दी डेथ में अपनी जिंदगी के दर्द भरे दौर को शेयर किया है। अनु अग्रवाल ने अपनी किताब में काफ़ी बातें बताई हैं। आज के समय में देखा जाए तो अनु अग्रवाल मुंबई में हैं और देखा जाए तो बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।